यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं और एक्शन भी ऐसा कि अपराधी अपराध करने से भी घबराए। शर्जिल इमाम का नाम तो आप भूले नहीं होंगे। जी हाँ, वही शर्जिल इमाम जिसने असम को भारत से काटने की बात कही थी, वही शर्जिल इमाम जिसने देश को बांटने का भड़काऊ भाषण दिया था। अब उसी शर्जिल इमाम पर शिकंजा कस चुका है। यूपी पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। राजद्रोह मामले में तिहाड़ जेल में बंद शर्जिल इमाम के खिलाफ अलीगढ़ कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया है। तिहाड़ जेल में कोर्ट ने वारंट भेजा है जिसे जेल अधिकारियों ने रिसीव कर लिया है। अब 18 फरवरी को शर्जिल इमाम को अलीगढ़ कोर्ट में पेश किया जाएगा। अलीगढ़ पुलिस ने कोर्ट में पूछताछ के लिए अर्जी लगाई थी। शर्जिल इमाम ने अलीगढ़ में असम को भारत से अलग कर देने वाला कथित विवादित बयान दिया था और इसी बयान के खिलाफ अलीगढ़ पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था। और अब शर्जिल इमाम पर यूपी पुलिस रासुका लगाने की तैयारी कर रही है और रासुका लगाने की कार्रवाई को कोर्ट में पेशी के दौरान ही तामील में लाया जा सकता है। गोपनीय तरीके से रासुका लगाया जाएगा। इस तरह की कार्यवाही भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी डॉक्टर कफील पर भी की जा चुकी है। इससे पहले देशद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम को 12 फरवरी को दिल्ली कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को शर्जिल इमाम का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच CFSL लैब में उसका वॉइस सैंपल लिया। वहीं कोर्ट ने शर्जिल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। शर्जिल इमाम पर IPC की धारा 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। IPC की धारा 124A के तहत 3 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक की सजा है। यानी कि योगी की यूपी पुलिस शर्जिल इमाम पर पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है, एक्शन में है और शर्जिल पर यूपी पुलिस का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है। अब देखना होगा कल कोर्ट में पेश होने के दौरान शर्जिल इमाम पर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।